एक ही कमरा है और हम लोग का पाँच क्लास पाँच तक पढ़ाई होना है, तो हम लोग पेड़ की छाया में बच्चों को ले जाते हैं। चौथा बच्चवा को एक जगह, दूसरा तीसरा को एक जगह, के जी एक क्लास और पहला क्लास को एक जगह रखते हैं। आंगन में आम का पेड़ है, उस आम पेड़ के नीचे हम लोग ले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और छोटा छोटा बोर्ड बनाया हुआ है, उस बोर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हवा आता है उसमें हम लोग का बोर्ड को भी गिरा देता है, हम लोग को थोड़ा सा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? मेरे विद्यालय में चार शिक्षक हैं। हमारे विद्यालय में एक ही कमरे हैं, 200 छात्र एवं छात्राएं पढ़ते हैं, तो हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। मैं 1982 ईस्वी से अभी तक यहाँ पर कार्यरत हूँ, करीब 30 वर्ष हो गए। अनेक समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन हम लोग को विद्यालय भवन नहीं है। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है और जमीन पर, क्योंकि हमारे विद्यालय में बेंच नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, चंद्रेश राव विधायक उनके पास हम लोगों ने गया तो वे बोले कि माइनॉरिटी विद्यालय के लिए कोई प्रावधान नहीं। मेरे बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत 15 विद्यालय हैं जो अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। झारखंड भर में लगभग 400 विद्यालय अल्पसंख्यक हैं। झारखंड सरकार के पास में भवन के लिए योजना नहीं है। मानव संसाधन विकास विभाग को फोन कर या अवगत कराएं, सभी विद्यालयों को ये सुविधाएं प्रदान करें। संपर्क करने के लिए ऑफिस का नंबर है 06512410519। मैं वीरेंद्र तिर्की गुमला बिशुनपुर से इंडिया अनहट के लिए।